नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कुमार भारती में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ विशेष लाया हूँ। आप लोग सभी को पता है कि इस बार जो नेट का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा एनटीए के द्वारा दिसंबर 2018 में, वो ऑनलाइन मोड में है। तो खास ये है कि आप लोगों को जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना है उसकी अच्छी से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पहले इस साल आपको पता है जो जुलाई 2018 में कंडक्ट किया गया था एग्जाम, उसमें हमारा इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें कि मैं आपको गाइड किया था, उसमें मोर देन 500 कैंडिडेट क्वालिफाई किया है। उसमें से कुछ का फोटोग्राफ्स हमारा वेबसाइट www.tibarkumarbharati.com पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो कि हमारे से स्टडी किए थे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम किसी का आ गया था, कोई एक क्वेश्चन से रह गए, कोई दो नंबर से रह गए, कोई इस डिजाइन से, बहुत कम से, कोई पाँच से, कोई दस से। इसका सिंपली एक ही कारण था कि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं थी अच्छी। तो इस बार ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए, और साथ ही साथ आप लोगों में से बहुत सारों को हेजिटेशन होगा ऑनलाइन एग्जाम देने में, क्योंकि आपके बहुत सारे, आप लोगों में से बहुत का पहला बार ऐसा होगा जो कि पहली बार आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और आप लोग काफ़ी टेंशन में हैं। तो आपको इस हेजिटेशन को दूर करने के लिए, इस ढंग के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ मॉक टेस्ट, जो कि मॉक टेस्ट ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा। और सिंपली टेस्ट नहीं है ये, सिर्फ प्रैक्टिस, इस बात की प्रैक्टिस नहीं करना है हमें कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे देते हैं। नो, हम लोगों को बस जो भी पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिस करना है, साथ ही साथ ऑनलाइन मोड में। इसीलिए हम लोग मॉक टेस्ट का सीरीज चला रहे हैं, मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा 19 अगस्त को, जो फर्स्ट टेस्ट वो पेपर वन का। और इसके अलावा, पेपर वन के अलावा जो हम लोग अभी लॉन्च किए हुए हैं पेपर टू में, वो एजुकेशन का होगा, साइकोलॉजी का होगा और पॉलिटिकल साइंस का होगा। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट का किसका किसका करना है, तो उसमें एक सर्वे फॉर्म रहेगा, उसमें से आप लोगों को उस सर्वे फॉर्म, मतलब पेपर वन एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस का, तो मैं अभी लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें कि 19 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट मॉक टेस्ट। उसके अलावा अगर किसी और सब्जेक्ट का भी आप चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक सर्वे फॉर्म रहेगा। उस सर्वे फॉर्म में आपको अपना डिटेल लिखना है थोड़ा सा, और उसके बाद उस सब्जेक्ट के बारे में बताना है आपको कि आप किस सब्जेक्ट में टेस्ट चाहते हैं। तो अगर उसमें से कुछ ज़्यादा स्टूडेंट हुआ, इतना स्टूडेंट हो जाए ताकि आप लोग के द्वारा जो दिया जाएगा, तो हम किसी और टीचर को हायर कर सकें ताकि आप लोगों को बता सके, तो अगर उतना कैंडिडेट हो जाएगा तो फिर हम दूसरे सब्जेक्ट में भी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। तो अभी तत्काल के लिए जो है, तो आपको तीन है, पहला नंबर है पेपर वन, और सब्जेक्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन और साइकोलॉजी, इसमें हम लोग इमीडिएटली लॉन्च कर रहे हैं 19 से। इसमें क्या है कि आप लोगों को एक शेड्यूल दिया हुआ है, पेपर वन का शेड्यूल ऑलरेडी मेरे वेबसाइट www.tibarkumarbharati.com पे अवेलेबल है। इसके अलावा जो है पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और एजुकेशन, इसका बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर हम शेड्यूल दे देंगे। उस शेड्यूल के अंदर आपको पढ़ के रखना है वो सारा टॉपिक्स को, और उस सारा टॉपिक्स को पढ़ के रखना है, और संडे को एग्जाम होगा। और जो संडे को एग्जाम होगा, सिर्फ एग्जाम ही नहीं, ये एग्जाम बहुत ही फ्लेक्सिबल मोड में है। फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि कोई दिन में फुर्सत है किसी को, किसी को रात में फुर्सत है, किसी को 2 दिन एब्सेंट हो जाते हैं। आप लोगों में से बहुत का फोन ऐसा भी आया, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। आपको किसी भी दिन, किसी भी टाइम में आपको टेस्ट दे देना है, ये 1 सप्ताह तक में आपको किसी भी दिन देना है, ये टेस्ट हटाया नहीं जाएगा, आप कभी भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। और दूसरी इसमें खास बात क्या है कि आप जब इसमें टेस्ट दीजिएगा, तो उसका एक कॉपी इमीडिएट आपका मार्क्स भी बता दिया जाएगा कितना सही हुआ, और इमीडिएट उसका एक कॉपी आपके ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा, जो आप ईमेल एड्रेस उसमें डाला रहिएगा। तो उससे क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन को बाद में भी देख सकते हैं, और उस समय भी देख सकते हैं, और बाद में उसमें, और ईमेल कॉपी जो जाएगा उसमें सही उसका आंसर क्या है, यह भी आपको उसके साथ में ही जाएगा, तो आप बाद में भी उसे रिविजन कर सकते हैं कि उसका सही आंसर क्या है। इसके अलावा बस डिफरेंस यह है क्या कि आपको, ताकि हम जो मैनेज कर रहे हैं, हम जो ऑफिस को मेंटेन कर रहे हैं ये मॉक टेस्ट सीरीज बनाने के लिए, उसके लिए आपको माइनर चार्ज देना होगा। लास्ट टाइम ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट होने से क्या है कि आप लोग सिंसियर नहीं रहे लास्ट टाइम, तो इस बार ताकि आप लोग सिंसियर रहें और रेगुलर टेस्ट दें, इसलिए माइनर इसमें चार्ज रखा गया है, ओनली 500 रुपी, जो कि ऑनलाइन मोड में ही आपको देना है। करना क्या है इसमें, सिंपली आपको हमारा वेबसाइट www.tibarkumarbharati.com पे जाना है। जिस सब्जेक्ट में आप टेस्ट देना चाहते हैं, ये कंपलसरी नहीं कि तीनों में देना है या दोनों में देना है, अगर आप पेपर वन में देना चाहते हैं तो पेपर वन पे जाना है, अप्लाई ऑनलाइन
पे जाना है, वहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद ऑनलाइन उसी के नीचे में लिंक दिया हुआ रहता है, ऑनलाइन पे करने के लिए आपको वहाँ जाना है। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एनईएफटी, जो भी आपकी मर्जी है, आप उस मेथड के द्वारा वहाँ पर पे कर देना है। अगर सिंपली रजिस्ट्रेशन कर दें तो आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट नहीं होता, साथ में उसका पे भी करना होता है। जब आप वो कम्प्लीट पे कर दीजिएगा, हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद जो भी टेस्ट है उसका आपको रोल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप उस रोल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आपका टेस्ट वो खुलेगा और आप उस टेस्ट को दे पाइएगा, अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो 500 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सिंपल है, बस ये आपको ट्रैक पे रखने के लिए है। और जो शेड्यूल दिया हुआ है उस शेड्यूल के अनुसार आपको पढ़ के रखना है, ताकि आप उसमें हमेशा जुड़े हुए रहें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। आपको मैं बता दूं, ये तो टेस्ट सीरीज का है जो कि पेड है, लेकिन इसके अलावा जो पहले जो भी हमारा फ्री था, मैं बार बार बोला करता था, जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे वेबसाइट और त्रिभुवन कुमार भारती चैनल के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें से जो कि यूट्यूब चैनल पर फ्री वीडियो क्लासेस हुआ करता था, वो अभी भी वीडियो क्लासेस होता है, बस डिफरेंस ये है कि पहले से पेपर वन और एजुकेशन का था, इस बार साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस भी ऐड हो गया है। पहले मैं अकेले में पढ़ाता था, लेकिन इस बार अलग अलग टीचर्स हैं, मतलब दो अलग टीचर्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट का, जो तीन सब्जेक्ट मेजर है जो कि हम बता रहे हैं, उसका तो नोट्स अवेलेबल है ही है हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ कुछ अदर सब्जेक्ट्स का भी हमारे यहाँ नोट्स अवेलेबल है, जो कि आपको डेली बेसिस पे हमारा एंड्रॉइड ऐप और हमारा वेबसाइट पे भी प्रोवाइड किया जाता है, डेली बेसिस पे अपडेट किया जाता है। और कुछ दिनों के बाद, मैक्सिमम वन वीक के बाद, उसका पीडीएफ कॉपी हमारा वेबसाइट का ई बुक सेक्शन में अपलोड किया जाता है, जिसे कि आप लोग डाउनलोड करके या प्रिंट करके रख सकते हैं फ्यूचर में पढ़ने के लिए और रिवीजन वगैरह करने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, जितने भी सर्विस हमारी वेबसाइट के द्वारा या त्रिभुवन कुमार भारती चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था, वो अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ टेस्ट सीरीज में चार्ज रखा गया है, ताकि आप इससे जुड़े हुए रहें, आपको लगे कि आप कुछ पे किए हैं और टेस्ट देना चाहिए, ताकि आपका अटेंशन बना रहे और आपका रेगुलरिटी बना हुआ रहे। तो आपको, अगर अभी तक आप रजिस्टर नहीं किए हैं और पे नहीं किए हैं, तो आप जल्दी से जाकर रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि पहला टेस्ट 19 को ही है, तो ज़्यादा दिन नहीं है। और वहाँ से आप अपना टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, टॉपिक उसमें दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिए आप अपने पास या दीवार पे पेस्ट कर दीजिए। और एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी का भी विद इन 2-3 डेज शेड्यूल दे दिया जाएगा, ताकि आप टेस्ट को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें और रिविजन भी कर सकें। ये तो है यूनिट वाइज। इसके बाद जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अक्टूबर में कंप्लीट यूनिट कंप्लीट कर दिया जाएगा विथ रिवीजन, और नवंबर का कंप्लीट रहेगा फुल सिलेबस टेस्ट। प्रत्येक वीक में फुल सिलेबस टेस्ट होगा, जो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमारा एग्जाम कंडक्ट होता है यूजीसी नेट का। तो कंप्लीट एक महीना सिर्फ रिवीजन करना है, वो भी फुल सिलेबस का रिवीजन करना है। तो हमारा इस बार जो 4 नंबर या 5 नंबर या 10 नंबर से रहा था, वो बिल्कुल नहीं रह पाए और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो पाए ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने के लिए भी, और साथ ही साथ तैयारी भी हो सके, ताकि इस बार हमारा JRF कोई नहीं काट सके। थैंक यू।